ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस हम लोग कैश बुक बनाएंगे राइट। हाँ क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे राइट। तो कैश बुक अपने को डबल कॉलम बनाना है क्योंकि कैश है बैंक नहीं है बट डिस्काउंट इज देयर राइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं। अच्छा इसके बाद मैंने बनाना है परचेज डे बुक। क्या बनाना है, मैंने परचेज डे बुक बनाना है। परचेज डे बुक पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट कॉलम होता है रुपीज रुपीज। इसके बाद बने मैंने बनाना है सेल डे बुक, वही है पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ठीक है, हाँ अच्छा। इसके बाद हमको बनाना है जनरल डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस। ठीक है हाँ, तो ये मैं जनरल का काम कर रहा हूं, इज दैट फाइन। जो अपने सिंगल जनरल बनाते थे वो इस तरीके से बनाएंगे, कैश बुक परचेज डे बुक सेल डे बुक एंड जनरल प्रॉपर, बरोबर है हाँ, इज दैट फाइन एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आइए स्टार्ट करें। हाँ अच्छा, जनरल करने के बाद सारा लेजर बनाएंगे ना, तो कैश बुक कैश के लिए जनरल भी है और लेजर भी है कैश एंड बैंक के लिए, एंड बाकी सारे अकाउंट के लिए कैश बुक खाली जनरल है। मतलब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए भी ये क्या है, जनरल है लेजर नहीं है। खाली कैश के लिए जनरल भी है लेजर भी है, बाकी सब तो जनरल है। ठीक है ना, बरोबर है। आइए सबसे पहले बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस टू लैक, एंट्री बताओ कैश टू कैपिटल, तो कैश का डेबिट में आएगा 2 लाख, रेफरेंस में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देते हैं यहीं पे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड राइट। तो हमारे पास जगह नहीं होगा उतना, बट फिर भी जितना हो पाएगा हम देंगे। शॉर्ट में लिखते हैं, काम करते हैं। तो पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा 50,000 का इन कैश, बताओ फर्नीचर टू कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा है ना, लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड है ना। तो कैश के लिए ये लेजर का काम भी कर दे रहा है, लेकिन कैपिटल और फर्नीचर का अलग से लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल और फर्नीचर के लिए खाली ये जनरल का काम कर रहा है राइट। गुड्स परचेज 2000 यूनिट्स एट द रेट 25 ईच ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, तो यहां पे ऐसे मिस्टर एक्स पार्टी का नाम लिखा जाता है
हाँ या ना, पार्टी का नाम लिखा जाएगा, ब्रैकेट में दिखाएंगे, 2000 इंटू 25 कितना आया, 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, कितना हुआ, 10,000, तो आउटर कॉलम में 40,000 आ गया, बस यही इसका जर्नल है, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग कौन कौन से अकाउंट में जाएगा, एक्स में जाएगा और परचेस में जाएगा, यस और नो, किस में जाएगा, एक्स में जाएगा और परचेस में जाएगा। सुनो, एक्स में पोस्टिंग आज ही चला जाएगा, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, एक काम करो, हम लोग यहां जर्नल बना रहे हैं तो लेजर तुम लोग बनाओ, जैसे सुनो, कैश के लिए ये जर्नल भी है, लेजर भी है, हाँ या ना। हाँ, तो अभी तुम लोग नेक्स्ट ये चार्ज बना लिया ना, इसके बाद हेडिंग दो लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, ठीक है। लेजर अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खाली लिख लो, लेजर अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में इसका पोस्टिंग जाएगा 2,00,000 का, तो कैपिटल का क्रेडिट साइड में आएगा 2,00,000 बाई कैश लिखेंगे, ठीक है। बनाइए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, 2,00,000 क्रेडिट लिखेंगे बाय कैश, कैश के लिए जनरल भी है लेजर के लिए, बट कैपिटल के लिए खाली जनरल है, तो लेजर पोस्टिंग डाल दिया, ठीक है। कैश के लिए क्या है ये, लेजर और जनरल दोनों है, लेकिन कैपिटल के लिए खाली क्या है, जनरल, तो लेजर पोस्टिंग डाल दिया कैपिटल में, राइट। हा, पहला ये, दूसरा फर्नीचर खरीदा था, यस और नो, हाँ, तो क्या बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट बनेगा, तो फर्नीचर डेबिट है ना, खरीदा है, टू कैश, समझ में आ रहा मेरा बात। तो अपने क्या करते हैं, जैसे जैसे लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, पोस्टिंग भी वैसे वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, दे डोंट वेट, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो रहा है वैसे वैसे अकाउंट्स खोलते जाते हैं और पोस्टिंग भी वैसे वैसे ही करते जाते हैं, हमारा काम और आसान हो जाता है, राइट। तो हमारा कैपिटल भी खुल गया, फर्नीचर भी खुल गया, नेक्स्ट। अब जैसे आपने परचेज डे बुक में ट्रांजैक्शन लिख दिया तो जनरल हो गया, यस और नो। नाउ इसका पोस्टिंग करेंगे तो सप्लायर अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग जाता है और परचेज अकाउंट में मंथ एंड का टोटल जाएगा। फिर से बताओ पोस्टिंग कैसे होगा, परचेज डेबू का पोस्टिंग कैसे करेंगे, सप्लायर अकाउंट में इंडिविजुअली जाएगा कि टोटल जाएगा, क्योंकि हर सप्लायर का अलग अलग हिसाब होगा, और परचेज अकाउंट में मंथ एंड का टोटल विल बी ट्रांसफर्ड, इज दैट फाइन, समझ में आ रहा मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ समझ में आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका पोस्टिंग कैसे होगा, सप्लायर अकाउंट कैसे जाएगा पोस्टिंग, सप्लायर अकाउंट में जाएगा इंडिविजुअली, राइट, और परचेस अकाउंट में हर मंथ का या साल का एंड का टोटल, ठीक है। तो अपने अभी खाली क्या बनाएंगे, अभी तो अपने को परचेस का टोटल पता नहीं है, तो राइट नाउ वी विल प्रिपेयर ओनली मिस्टर एक्स अकाउंट, एंट्री क्या, परचेज टू एक्स, तो एक्स क्रेडिट हो रहा है ना, तो एक्स का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय परचेज,
परचेज अकाउंट में इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री देखो, कैश बुक में जो भी आएगा उसमें कैश का लेजर बन चुका, अदर अकाउंट्स का खाली लेजर बनाना है, लेकिन बाकी सारा डे बुक में जो जो आएगा उसमें दोनों लेजर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो सप्लायर और कस्टमर में इंडिविजुअल जाएगा, और परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक का में मंथ एंड का या ईयर एंड का टोटल जाएगा। ठीक है, लाइट जलाओ बाहर का। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? तो सप्लायर अकाउंट में इंडिविजुअली अभी डाल दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल गुड्स 1200 एट द रेट 40 ईच ऑन क्रेडिट टू ए, तो सेल डे बुक में जाएगा मिस्टर ए 1200 इंटू 40 है ना, 1200 इंटू 40 कितना, 48,000। अच्छा, सेल डे बुक में दोनों अकाउंट में पोस्टिंग जाएगा, कस्टमर में भी सेल में भी। तो कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग इंडिविजुअली जाएगा कि टोटल जाता है? इंडिविजुअली। और सेल अकाउंट में मंथ एंड का टोटल। तो अभी खाली अपने कस्टमर का लेजर बनाएंगे, मिस्टर ए का लेजर बनेगा खाली। डेटर्स टू सेल होता है ना, तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ए का डेबिट में आएगा टू सेल्स बोल के, ए का डेबिट में आएगा टू सेल्स बोल के, ए का डेबिट में आएगा टू सेल्स बोल के। डन? हाँ बोलो। फिर से खरीदा है ना, फिर से खरीदा है ना, किससे खरीदा है? ऑन क्रेडिट ही खरीदा है, तो पी का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? पी का नाम आ जाएगा। कितना खरीदा है पी से? 1000 इंटू 24 कितना होता है? 24,000। लेट ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है? ये बार्गेनिंग प्रोसेस का होता है, तो 4,800 बाहर आएगा 19,200। ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन परचेज डे बुक में आ गया, जनरल में हो गया। इसका पोस्टिंग कहां कहां जाएगा? पी में और परचेज में। तो पी में इंडिविजुअली जाएगा कि टोटल? इंडिविजुअली। और परचेज में अभी साल के एंड में, राइट? तो अपने को मिस्टर पी अकाउंट बनाना है। अब कौन सा लेजर अकाउंट बनाना है? मिस्टर पी का लेजर बनाना है। सप्लायर है ना, क्रेडिट होगा 19,200 बाय परचेज। ठीक है, तो एक्स वाला सप्लायर में इंडिविजुअली गया, उसका वाला पी में पी वाला गया। ठीक है ना, यस और नो? अच्छा, उसके बाद लिखा है क्रेडिटर एक्स को फुल सेटलमेंट में पैसा दे दिया 5% कैश डिस्काउंट में। तो तुम लोग ऑलरेडी देखो, तुम लोग सप्लायर एक्स खोल के रखा है ना, पहले सप्लायर एक्स को कितना पैसा देना है? 40,000। तो फुल सेटलमेंट मतलब पूरा क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट में सेटल हो रहा है? 5% में सेटल हो रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब क्या है, 38,000 2,000 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, 38,000 रुपया दे रहे हैं, हाँ या ना? तो पैसा क्रेडिटर कम कितने से हो रहा है, 40,000 से, पूरा 40,000 से क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। कैश कितने से कम हो रहा है, 38,000, तो कैश में 38,000 आएगा। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2,000 डिस्काउंट रिसीव्ड का हो गया। यहां लिख देंगे बाई मिस्टर एक्स, क्या लिखेंगे, बाई मिस्टर एक्स बीइंग क्रेडिटर सेटल्ड, ठीक है ना? हाँ, तो ये कैश के लिए खाली लेजर का काम, लेजर का काम किया है। एक्स के लिए ये क्या है, एक्स के लिए खाली जर्नल है, पोस्टिंग करेंगे एक्स में। और डिस्काउंट रिसीव के लिए भी क्या है, ये खाली जर्नल। तो जैसे तुम्हारा परचेज और सेल का मंथ एंड का टोटल परचेज सेल में जाता है, वैसे डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड का भी मंथ एंड का टोटल डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा, राइट? तो अभी हाल फिलहाल हमको क्या करना है, खाली एक्स में पोस्टिंग डालना है इसका। किस में डालना है, एक्स में डालना है, ध्यान देना किस में डालना है, ये हो गया ना? तो अभी अपने एक्स का लेजर बनाएंगे, हाँ या ना? तो सर एक्स का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, देखो हम तुमको दिखा रहे हैं, तुम्हारे बुक में ऑलरेडी एक्स का लेजर बना हुआ है, तुमने ऑलरेडी बना रखा है। सर हमने बना रखा है, हाँ देखो उसमें तुमने ऐसे लिख रखा है, मैच कर रहा है, ये तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ है, बना हुआ है ना? बाई परचेज 40,000, अच्छा एक्स डेबिट कितने से हो रहा है, पूरा 40,000 से ना, 38,000 पेमेंट हो रहा है, 2,000 डिस्काउंट मिला है, बट डेबिट कितने से हो रहा है, तो एक्स का डेबिट साइड में पूरा 40 ही आएगा, बट अलग अलग रेफरेंस से आएगा, आएगा पूरा 40 ही। तो पहला 38,000 का रेफरेंस कैश देंगे और इसका रेफरेंस देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्या तुम्हारा एक्स टैली हो जाएगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऑलरेडी एक्स में हम पोस्टिंग डाल के रखे हैं, देखो बाई परचेज 40,000, अब एक्स डेबिट हो रहा है पूरा 40,000 से, क्योंकि फुल सेटलमेंट बोला, तो एक्स को डेबिट 40 से ही किया है, बट रेफरेंस अलग अलग दिखाया है, ठीक है? हाँ, तो अभी तक हम लोग का किसका किसका पोस्टिंग करना रह गया, परचेज का टोटल परचेज डेब्यू का टोटल परचेज में जाएगा, सेल डेब्यू का टोटल सेल में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव कॉलम का टोटल डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना? इज दैट फाइन? हाँ, समझ में आ रहा है सबको? तुम लोग तो एक्स अकाउंट बनाया है ना, वापस क्यों बना रही हो? अच्छा ठीक है, यस और नो? तो कैपिटल का लेजर खुला हुआ है तुम लोग का, फर्नीचर का खुला हुआ है, एक्स का खुला हुआ था अभी बंद हो गया, पी का खुला हुआ है और ए का खुला हुआ है, राइट? अच्छा, उसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स 10,000 यूनिट्स एट द रेट 45 ईच इन कैश, कैश में बेचा है, राइट? तो कौन सा डे बुक में आएगा, ये कैश बुक में आएगा। तो पैसा आया है ना 1,000 × 45, 45,000 रुपये आया है, लिख देंगे टू सेल्स, क्या टू सेल बीइंग सेल्स मेड फॉर कैश, हाँ ना? तो कैश के लिए तो ये जनरल भी है, और तो अपने को सेल अकाउंट खोलना पड़ेगा, हाँ या ना? तो एक सेल का लेजर खोलो, अपने को सेल अकाउंट खोलना पड़ेगा, राइट? तो सेल अकाउंट का क्रेडिट में आएगा 45, लिखेंगे क्या, बाय कैश,
सेल अकाउंट का क्रेडिट में आएगा 45, लिखेंगे क्या कैश, क्योंकि कैश के लिए तो जनरल भी है लेजर भी है, खाली सेल में पोस्टिंग डालना है, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव 10,000 रुपया इन कैश फ्रॉम ए, तो हमको 10,000 मिला है किससे, ए से। सर ए से तो आपको 48,000 लेना है, बट पार्ट पेमेंट मिला, लिखा है क्या फुल सेटलमेंट, नहीं, तो बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, राइट। हाँ अच्छा, कैश के लिए तो जनरल भी है लेजर भी है, तो ए में पोस्ट करना बाकी है ना, तो देखो तुम लोग ए अकाउंट ऑलरेडी बनाया है, उसमें डेबिट 48 है, ए अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट 48 है, नाउ कैश डेबिट हुआ, ए को क्रेडिट कर दो 10,000 से, यस और नो, ए को क्रेडिट कर दो 10,000 से बाई कैश, ए को क्रेडिट कर दो 10,000 से बाई कैश, मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ए को क्रेडिट कर दो 10,000 से बाई कैश, यस और नो, हो गया ना। नेक्स्ट, पेड रेंट 2,000 इंटू 10 महीने का कितना होता है, 20,000 रुपया, 20,000 पेमेंट हुआ है, बाय रेंट बीइंग रेंट पेड, है ना, बीइंग रेंट पेड, हाँ पे किया ना, आउटफ्लो में आया, ठीक है, रेंट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ है। अच्छा, कैश के लिए तो जनरल भी है लेजर भी है, तो रेंट अकाउंट खोलो, रेंट अकाउंट खोलो, उसमें डेबिट साइड में 20,000 लिखो, रेंट अकाउंट खोल के डेबिट साइड में 20,000 लिखो टू कैश, दे दो, है ना, बोलो सही है ना, हाँ। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया 20,000 से टू कैश, डन, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, हमारा साल खत्म हो गया है, तो काफी सारा चीज का टोटल निकालेंगे। पहला बात, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम का टोटल आएगा 2,000, परचेज डे बुक का टोटल आएगा 59,200, सेल डे बुक का टोटल आएगा 48,000, ये तीन चीज का टोटल आ गया, हाँ या ना, हाँ। साल खत्म हो गया, अब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट अलाउड में तो कुछ है नहीं, रिसीव का टोटल 2,000 है, परचेज डेबू का टोटल 59,200 है, हाँ या ना, अच्छा एक और एंट्री है उसको कर ले, छूट गया ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अपने क्या माने थे कि उसको एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड कर देंगे, तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। सो एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10%, तो कितना आएगा 5,000, 5,000, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोल लेना और फर्नीचर का क्रेडिट साइड में दिखा देना 5,000, कर लो, ये वाला एंट्री जनरल प्रॉपर में आएगा, हाँ ये दोनों लेजर में पोस्टिंग जाएगा ना, तो जनरल है, इसका पोस्टिंग तो करेगा ना, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग जाएगा, और फर्नीचर तुम ऑलरेडी खोल के रखा है, उसका तुम क्रेडिट साइड में डाल दो, है ना, खाली तुमको डेप्रिसिएशन खोलना है, फर्नीचर तो खुला है, उसमें सीधा पोस्टिंग जाएगा, हो गया ये। अब ध्यान से सुनो, जैसे साल खत्म होगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, सबका टोटल आ गया, डिस्काउंट रिसीव का टोटल 2,000,
परचेज डेबू का टोटल है 59,200, सेल डेबू का टोटल है 48,000. डन, समझ में आ रहा है पूरा प्रोसेस? अब सेल डेबू का जो टोटल है वो चला जाएगा सेल अकाउंट में, तो सेल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल डे बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल डे बुक. तो आप देखो सेल अकाउंट में कैश सेल भी आ गया, क्रेडिट सेल भी आ गया, तो टोटल सेल्स आ जाएगा. हाँ, यस और नो? हाँ, परचेज डेबू का जो टोटल है ये परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा. क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज डेबू. अलग अलग सप्लायर नहीं, क्योंकि परचेज सेल में टोटल जाता है. डिस्काउंट रिसीव का भी टोटल आ गया 2000, है या ना? डिस्काउंट रिसीव का भी टोटल आ गया, तो डिस्काउंट रिसीव कॉलम में क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव इनकम है ना, क्रेडिट साइड में आएगा बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक 2000 रुपए लिख देंगे. ठीक है, तो ये सेल बन गया. इसी तरीके से अपन को परचेज अकाउंट बनाना है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज डे बुक 59,200. ठीक है, हाँ, हटा दें. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक 2000. ठीक है, तो जनरल हो गया, सबका पोस्टिंग भी हो गया. अब सबका बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकाल लेना. कैश बुक तो कैश के लिए जनरल भी है, लेजर भी है, तो कैश का बैलेंस यहीं से आ जाएगा डायरेक्टली. कैश बुक में जो कैश है उसका बैलेंस यहीं से आ जाएगा डायरेक्टली. वन लाख 47 है शायद, देखो. फोर्टी सेवन आ रहा है ना, बिकॉज पानी देना. इज दैट फाइन एवरीवन? बाकी सब अकाउंट का बैलेंस तुम लोग निकालो. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम, कैलकुलेट करो, फिर मैं डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा. फास्ट.
आई थिंक यू ऑल हैव डन इट. ठीक है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अलग अलग. इसमें क्या है ना कि अच्छा लगता है, मतलब बल्कि नहीं होता है, चीजें बल्कि नहीं होंगी, अलग अलग ट्रांजैक्शंस का अलग अलग बुक्स, राइट. सो मैं मिटा रहा हूं इसको, वन फॉर द वेरी लास्ट टाइम यू कैन हैव अ लुक. ठीक है, सो ये सब अगर प्रोसेस पता रहेगा ना तो अपने को बहुत सारा चैप्टर में इजी होगा. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी लाइक दिस, राइट. आइए, सो खाली एकदम बेसिक्स में ध्यान देना, एकदम बेसिक्स में. अगर बेसिक्स क्लियर रहेगा आगे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है. बेसिक्स अगर वीक रहेगा आगे बहुत टाइम लगेगा. अभी जैसे मैं रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा 15 मिनट में हो जाएगा, राइट. तो क्योंकि ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सप्लायर, जैसे आप परचेज बुक में लिखते हैं उसकी पोस्टिंग कैसे होती है. सप्लायर अकाउंट में सर इंडिविजुअली होता है और मंथ एंड या ईयर एंड का टोटल परचेस अकाउंट में जाता है. कैशबुक डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के लिए खाली जर्नल है. इसका मतलब एक्चुअल में जाके पोस्टिंग करना पड़ता है डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव में. और कैसे होता है, मंथ एंड और ईयर एंड का टोटल. इज दैट फाइन? क्योंकि ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली जर्नल से नहीं बनता, लेजर से बनता है. ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली लेजर से बनता है, वहीं पे सब समराइज्ड बैलेंस होगा, राइट. आइए, सो अपने क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस. कैश अकाउंट बोलिए, वन लैख 47. नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कैपिटल का लेजर से 2 लाख आया. फर्नीचर, फर्नीचर के लेजर में 50 था डेबिट, 5000 डेप्रिसिएशन 45. नेक्स्ट मिस्टर एक्स तो बराबर हो गया ना, खत्म हो गया. मिस्टर ए का ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे डेटर्स, कितना 38 डेबिट साइड में बैलेंस आया था. देन मिस्टर पी कौन था, क्रेडिटर्स, कितना 19,200. उसके बाद था हमारा शायद वही सेल्स, बताओ नाइन्टी एग्जैक्ट. परचेस अकाउंट आया था 59,200. रेंट 20,000, कुछ छूट नहीं जाए. डेप्रिसिएशन यहां पे ट्रायल बैलेंस में दिखेगा. देखो और कोई लेजर बनाया क्या आप लोगों ने, चेक करो प्रॉपरली. कोई भी लेजर और बनाया तो बताओ. इफ यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड एनी अदर लेजर जस्ट लेट मी नो. नहीं आया ना वो आखिर में, देखो मैच करे कि और कुछ है.
214 200 ठीक है, और इधर का भी वही आ रहा है क्या? हाँ 314 200। अभी अपने को निकालना है इवेंट्स, क्या फाइंड आउट करना है? इवेंट्स, रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला तो साफ दिखाई दे रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। आज पीएल में खर्चा कितने महीने का आएगा? 12 महीने का। लेकिन अपने पे कितना महीने का किए? 10 महीने का। तो 2 महीने का 2000 के हिसाब से कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 4000 रुपया आउटस्टैंडिंग हो गया। हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ या ना? अभी ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचता है? पहले बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। कहां से बचा हुआ है? परचेस से। और परचेस तुम दो बार किया है, ध्यान दो। पहले 2000 खरीदा, उसके बाद कितना खरीदा है? 1000। यस और नो? पहले 2000 खरीदा, उसके बाद कितना खरीदा है? 1000 खरीदा। हाँ या ना? पहले कितना खरीदा, उसके बाद 1000। तो 3000 खरीदा, बेचा कितना? पहले 1200, उसके बाद 1000, कितना? 2200। तो टोटल परचेस है तुम्हारा 3000 क्वांटिटी, टोटल सेल है तुम्हारा 2200 क्वांटिटी। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 800 क्वांटिटी, एसेट है। अब कौन सा वाला परचेस से बचा ये बताना मुश्किल हो जाएगा, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से वाले से बचा हुआ है ये। यस और नो? हाँ, तो अपने क्या करते हैं, ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टॉक साफ समझ में आ रहा है, राइट? अगर मैं बहुत तरीके से निकालूं, टोटल क्वांटिटी परचेज्ड है 3000 पीस, टोटल क्वांटिटी सोल्ड है 2200 पीस, तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है? 800 पीस। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है? 800 पीस। हाँ या ना? हाँ, लेकिन इसका वैल्यू क्या लेंगे? फर्स्ट वाला परचेस तो 25 रुपया लेस 20% रेट डिस्काउंट, 20-20 रुपया था एवरेज उसका, एवरेज कॉस्ट। और सेकंड वाले का था 24 माइनस 20% रेट डिस्काउंट, 19 रुपया 20 पैसा। तो ये 800 का मैं क्या कॉस्ट प्राइस पकड़ूं? ये 800 का मैं क्या कॉस्ट प्राइस पकड़ूं, बताइए आप ही बताइए। सुनो मेरा बात, तो अपने को क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए अपने को स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्टोर लेजर। उसमें अपने को काफी सारा अजम्पशंस लेना पड़ता है, ये आप लोग इन्वेंटरी चैप्टर में सीखेंगे, राइट? यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने परचेज बहुत सारे लॉट्स में किया, अलग अलग दिन किया, अलग अलग प्राइस में किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाले परचेज में से बचा हुआ है ये निकालना बड़ा ही असंभव है। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बता पाएंगे। तुम लोग नाना पाटेकर का अगर वो पिक्चर देखा है, हिंदू का खून मुसलमान का खून, दोनों खून को वो मिला देता है, बताओ हिंदू का कौन सा मुसलमान का कौन सा, बता पाएंगे? तो सारा परचेज आप जो किए हैं वो एक ही जगह रखा हुआ है, वहीं से आप बेच रहे हैं, तो बताइए ये 2000 वाले में से बचा हुआ है 800 कि बाद में जो 1000 खरीदा उसमें से बचा हुआ है 800? क्योंकि ऐसा तो नहीं आप पहले खरीदेंगे पूरा बेचेंगे उसके बाद खरीदेंगे, ऐसे नहीं होता है। मान लो हम लोग इतना खरीदा, इसमें से आधा बेच दिया, तो थोड़ा सा बाकी है उसमें और खरीद लेता है, फिर बेचता है, फिर और खरीद लेता है, मतलब पूरा स्टॉक को जीरो नहीं करते अपन। ये तुम लोग आगे जाके सीखेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल।
राइट, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब तुम लोग आगे जाके सीखेगा, तुम्हारे सिलेबस में है। तो हम लोग कभी भी स्टॉक को जीरो नहीं करते। 2000 खरीदा, उसमें से 1200 बेच दिया, 800 बचा, फिर वापस से 1000 खरीद लिया, तो टोटल 1800 हो गया, उसमें से फिर 1000 बेच दिया, तो बचा 800, बता कहां से बचा? असंभव है ना। तो अपने क्या करते हैं, अपने स्टोर लेजर बनाते हैं जिसमें स्टॉक का इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स का हिसाब होता है, एंड उसको बनाते वक्त अपने काफी सारा अजम्पशन लेते हैं। जो पहले आया होगा वो पहले बिक गया होगा, ये अजम्पशन है हमारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो, जो पहले आया वो पहले बिक गया होगा, यस और नो? हां या ना, इज दैट फाइन? तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, स्टोर लेजर, इसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम, जहां पे डेली बेसिस पे इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स का रिकॉर्डिंग होता है, एंड अपने कोई अजम्पशन लेते हैं, वेटेड एवरेज, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज। अजम्पशंस लेने के बाद अकॉर्डिंगली पता चल जाता है कि परचेस कौन से वाले परचेस से ये क्लोजिंग स्टॉक बिलोंग करता है, फिर उस परचेस का अपने कॉस्ट ले लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा मेरा बात? हाँ, तो ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है कि इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है। तो अपने को स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा जहां पे डेली बेसिस पे इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स का रिकॉर्डिंग होगा। क्या होगा? डेली बेसिस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ स्टोर लेजर, कैश। कैश लेजर में क्या रिकॉर्ड होता है? क्या इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश। स्टोर लेजर में क्या रिकॉर्ड होगा? इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ इन्वेंट्री, गुड्स, राइट, ऑन अ डेली बेसिस। एंड वेन एवर वी आर रिकॉर्डिंग इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स, तो अपने को अजम्पशन लेना पड़ता है कि कौन सा बिका है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, लास्ट इन फर्स्ट आउट की, वेटेड एवरेज की, सिंपल एवरेज। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशन अपने को पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाले परचेज में से है, एंड अकॉर्डिंगली वो वाला कॉस्ट मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट माना जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो आप लोग इन्वेंट्री चैप्टर में स्टोर लेजर पूरा डिटेल में बनाना सीखेंगे, बट मैं अभी आपको शॉर्ट में बनाना सिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं आपको? शॉर्ट में बनाना सिखा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपने टोटल में कितनी बार परचेस किया है मेरे को पहले ये बताइए? दो बार खरीदा है ना, तो लॉट वन, लॉट टू, यूनिट परचेस्ड, बताइए। हाँ, पहले 2000 पीस खरीदा, उसके बाद 1000 पीस खरीदा, तो मिला कितना? 3000 पीस। मैं फीफो फॉलो कर रहा हूं, क्या फॉलो कर रहा हूं? मैंने फीफो अजम्पशन लिया है। क्या लिया है? जो मान रहा हूं जो पहले आया होगा वो पहले बिक गया होगा, तो जो भी बचा हुआ है वो लास्ट वाला सामान से बचा हुआ है, राइट? समझ में आ रहा है? हालांकि कोई नहीं बता पाएगा कहां से बचा, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बता पाएंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम कैसा कैसे बिजनेस मॉडल कैसे है, बिजनेस ऑपरेशन कैसे होता है, खरीदा, बेचा, फिर आ गया, पूरा खत्म नहीं हुआ, फिर आ गया, फिर बेचा, फिर आ गया, क्योंकि जब खत्म हो जाता है उसके बाद ऑर्डर नहीं करते, तब तो तुमको दो चार दिन घर में बैठा रहना पड़ेगा जब तक माल आएगा। सब मान लो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम नया बनाना चालू करोगे? ऐसे तो नहीं है। तो जब खत्म होने वाला होता है तभी तुम नया बनाना चालू कर देते हो, राइट? तो उसी में आके वो आता जाता उसी में मिलता जाता है। नहीं नहीं, इट रनिंग आइटम है ना, पता नहीं चलेगा। आज तुम 2000 खरीदी, 1200 बेच दी, 800 बचा, उसी में फिर तुम 1000 खरीद के मिला दी, साथ में ही तो रखा हुआ है सब। अब बिकता तो तुम्हारा सभी बिक जाएगा, फटाफट बिक जाएगा, राइट? एग्जैक्टली बताना कि क्लोजिंग स्टॉक 800 कहां से बचा हुआ है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर क्या, अपने अजम्पशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अजम्पशन। हमने आपको फर्स्ट क्लास ही बताया था, अकाउंटिंग इज फुल ऑफ अजम्पशन, राइट? अगर हम 2000 वाला को जो खरीदा अलग अलग रखेंगे, 2000 वाला को यहां रखेंगे, 1000 वाला को यहां रखेंगे, फिर और खरीदेंगे यहां रखेंगे, तो इतना बड़ा स्टोरेज स्पेस थोड़ी है हमारे पास। एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक के ऊपर में ऐसे रखा जाता है, वहीं से बेचते जाते रखा जाता है, राइट? तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यू निकालना है तो अपने को अजम्पशन लेना पड़ेगा और स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा जहां पे डेली बेसिस में इनफ्लो आउटफ्लो गुड्स का रिकॉर्डिंग होता है। इसको अपने बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गया मेरा बात? टोटल परचेस क्वांटिटी कितना है? टोटल सोल्ड क्वांटिटी 2200, तो क्लोजिंग स्टॉक 800। कहां से बचता है क्लोजिंग स्टॉक परचेस में से? कौन सा वाला परचेस में से, बताओ? बताना असंभव है ना। तो अपने क्या लेंगे? फीफो। यूनिट सोल्ड बताइए अपने को, यूनिट सोल्ड कितना है? टोटल में है 2200, तो फीफो मतलब हम लोग ये मानेंगे कि ये 2000 पूरा बिक गया है,
और बाद में फिर बाकी 200 यहां से बिका है, तो इसका मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 800 बचा हुआ है वो हमारा सेकंड वाला परचेज में से बचा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 19,200 अगर हजार का दाम है, सेकंड वाला परचेज में 19,200 दाम था हजार का, तो 800 का दाम कितना होगा? कितना? 15,360 आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, क्या चीज ये समझ में आया? 3,000 टोटल क्वांटिटी परचेज किया है, 2,200 बेचा तो 800 बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचता है? परचेज में से ना। हाँ, कौन सा वाला परचेज से ये क्लोजिंग स्टॉक बचा है बताओ? बोलना मुश्किल है, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगर हमने अलग अलग परचेज को अलग अलग जगह रखा है तो दैट उतना बड़ा स्टोरेज स्पेस है नहीं हमारा, राइट? तो हम क्या करते हैं, एक के ऊपर में एक के ऊपर वहीं से बेचते जाते हैं। तो 800 एग्जैक्टली कहां से बचा ये बताना बहुत मुश्किल है, तो अपने क्या करते हैं, अजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं? अच्छा, अपने क्या बनाएंगे डेली बेसिस पे? स्टोर लेजर, जहां पे इनफ्लो आउटफ्लो गुड्स का रिकॉर्डिंग होता है। इस टाइप का इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेक्चुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो गुड्स का रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या बनता है? स्टोर लेजर। डेली बेसिस पे कि मंथली बेसिस पे? डेली बेसिस पे इनफ्लो आउटफ्लो गुड्स का रिकॉर्डिंग होता है, राइट? एंड जब भी स्टोर लेजर बनाएंगे अपने अजम्पशन लेंगे, फीफो के हिसाब से बन रहा है कि वेटेड एवरेज बन रहा है कि लीफो बन रहा है, क्या बन रहा है? तो अपने फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अपने को पता है टोटल परचेस 3,000 है, सेल 2,200 हुआ है, तो अपने मानेंगे पहले ये बिक गया है, तो 2 का 2 बिक गया, बाकी बचा 200 और यहां से बिका है, तो 2,000 खरीदा 2,000 बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक 0, 1,000 खरीदा 200 बेचा तो क्लोजिंग स्टॉक 800। इसका मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो इस 1,000 में से बचा हुआ है, दूसरा बार जो परचेस किया वहां से। तो दूसरा बार परचेस किया उसका कॉस्ट कितना है? 19,200 आया ना। दूसरा बार जो परचेस किया उसका कॉस्ट कितना है? 19,200। क्वांटिटी कितना था? 1,000, 800 स्टॉक। तो ये जो हमने स्टोर लेजर बनाया है ना, ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में बनाया है, राइट? और बेटर तरीके से जब हम लोग इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। इज दैट फाइन? सबको समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे आएगा अगर परचेज डिफरेंट लॉट्स में हुआ है तो? ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा, उसको अपने बोलते हैं स्टोर लेजर बनाना ही मतलब परपेक्चुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम, जहां पे हम लोग डेली बेसिस पे इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स का रिकॉर्डिंग करते हैं। और जब भी स्टोर लेजर बनाएंगे अपने को अजम्पशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि कौन सा वाला से बचा हुआ है, राइट? इज दैट फाइन? तो अपने को एडजस्टमेंट पता चल गया, आउटस्टैंडिंग रेंट है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी आ गया, बस। बरोबर है? अच्छा, फटाफट बता दो, कैश क्या है? एसेट, कैपिटल, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, सेल्स, परचेस, वेरी गुड, रेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फटाफट बनाओ पीएल और बैलेंस शीट जल्दी।
उसको फोन करो एक बार और. तुम प्री पोस्ट घर ले जाओ ना, प्री पोस्ट का तीनों क्लास घर ले जाओ, घर से अपलोड कर देना. हाँ तो एनक्रिप्ट करके ले जाओ, चारों वीडियो को एनक्रिप्ट करके ले जाओ और ड्राइव में डाल देना. ठीक है, आइए फटाफट बना लेते हैं हम लोग. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. सबसे पहला आइटम कैश. मार्शलिंग में कैश एकदम नीचे आता है, 1,47,000. लिक्विड एसेट्स जो परमानेंट होता है वो ऊपर, जो लिक्विड होता है नीचे. कैपिटल, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स इनकम है, परचेजेस, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. डन, सारा आइटम को बैठा दिया राइट. आउटस्टैंडिंग रेंट बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, बेनिफिट डिराइव्ड और नॉट डिराइव्ड. आउटस्टैंडिंग मतलब बेनिफिट डिराइव्ड और नॉट डिराइव्ड, डिराइव्ड. अच्छा, पीएल में एक्सपेंस कितना महीने का आएगा, क्योंकि पीएल बनता है फॉर द ईयर एंडेड, तो ये पीएल 12 महीने का है, एक्सपेंस फॉर 12 मंथ्स, लेकिन दिखाया हुआ कितना है 10 महीने का, तो 10 को 12 करना है, जोड़ के करेंगे कि घटा के, जोड़ के, तो प्लस 4,000. एनीवे बेनिफिट ड्राइव मतलब इस साल का खर्चा है, हाँ या ना, तो जोड़ेंगे, खर्चा है मतलब जोड़ेंगे. पैसा दे दिया क्या, देगा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के दिखाएंगे 4,000.
ठीक है, यस और नो, यस और नो, आउटस्टैंडिंग मतलब बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है मतलब इस साल का खर्चा है, खर्चा है मतलब जोड़ दो, पैसा दे दिया क्या तो लायबिलिटी दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या जल्दी बताओ, एसेट कहां से बचा हुआ है, कौन से वाले परचेस से, बताना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। तो क्या किया आपने, अजम्पशन लिया, क्या फीफो, और क्या बनाया डेली बेसिस में, स्टोर लेजर, जहां पे इनफ्लो आउटफ्लो गुड्स का रिकॉर्डिंग किया डेली बेसिस में, तो ऑटोमेटिकली अपने को पता चल जाएगा अजम्पशन बेसिस पे, जो हमारा अजम्पशन है कि परचेस कौन से वाले, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाले परचेस से बचा हुआ है, राइट। तो उसका वैल्यू क्या आया था, 15,360। तो पहले परचेस से हटाएंगे तब ना एसेट दिखा पाएंगे, 15,360 एंड फिर क्लोजिंग स्टॉक को 15,360 बरोबर है, ठीक है ना। आइए नेट प्रॉफिट बोलो, बोलो कितना, 20,360 कैपिटल में ऐड हो गया, 20,360 कितना आया, 220,360 कितना रहा बैलेंस शीट टोटल, टू फोर थ्री फाइव सिक्स जीरो। देखो एसेट वाला भी आ रहा है क्या, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में था एक जगह आया, बाकी सब एडजस्टमेंट में था तो दो जगह आया। ठीक है बंद करो, कंप्रेस